नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कार्यक्रम गांव किसान में। सबसे पहले खेती किसानी भाग में हम देखेंगे रांची में विश्व मृदा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। साथ ही हमारा पशुधन में जानेंगे बकरी पालन के बारे में और मिलेंगे सफल किसान भाखड़ा राम से और देखेंगे इनकी कामयाबी की दास्तान। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची में, जहां विश्व मृदा दिवस मनाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मिट्टी के संरक्षण और मिट्टी की जांच से जुड़ी अहम जानकारियां लोगों को दी गई। इसमें विद्यार्थियों और किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड के रांची में रांची कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विश्व मृदा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरागत तरीके से खेती करने के बजाय खेती से जुड़ी सभी व्यावसायिक गतिविधियों द्वारा अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आज विश्व मृदा दिवस है, हम इस दिन को इसीलिए मना रहे हैं कि जो आज हमारी मिट्टी है, मृदा है, उसकी जो अवस्था है उस पर हम चिंतित हैं। जितना प्रदूषण आज हो रहा है, जिससे हमारी भूमि प्रदूषित हो रही है, उस पर हमें चिंता ही नहीं करनी, उसका चिंतन करके उसको सुधारना भी है। झारखंड में हमारी जो मिट्टी है, हमारे खेत हैं, काफ़ी सॉयल जो है इसकी एसिडिक है, तो आज के दिन हम प्रण लें कि हमारे जो वैज्ञानिक लोग यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और जो हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट और जिलों में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ कार्यरत हैं, चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जोनल रिसर्च स्टेशंस हैं, लोगों के साथ मिलकर हर ब्लॉक में, हर पंचायत में या गांव तक पहुंच सकें तो और बेहतर है। छोटे छोटे ग्रुप्स को मिलाकर लोगों में चेतना लाएं कि इस जो ज़मीन को हमने बचा के रखना है, इसको, इसका जो उपजाऊ करने की शक्ति है उसको बढ़ाना है। हम इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाएंगे तो कम से कम हमारा जो उत्पादन है, जिसको आज हम विचार करते हैं कि 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें बात करते हैं, दुगनी करनी है अपने किसानों की आय, तो तभी संभव होगी अगर हम जो हमारी उपजाऊ शक्ति जमीन की बढ़ाएंगे। पहले किसान रासायनिक उर्वरक का उपयोग असंतुलित तरीके से करते थे, जिसके कारण धरती की उपज कम होती गई। ऐसे में किसान मृदा की जांच कराकर मिट्टी में जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों का प्रयोग कर लागत को कम करने के साथ साथ अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। आज सब कुछ असंतुलित है और इसलिए आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्या जो बोली जा रही है, जिस पे चर्चाएं हो रही है, वो मिट्टी और मौसम के बारे में है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जान रहे हैं और मिट्टी स्वास्थ्य के बारे में, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, असंतुलित हो चुका है। संतुलन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, चाहे वो भाषा की बात हो, भाषा भी संतुलित होनी चाहिए, चाहे वो खाना हो, वो भी संतुलित होना चाहिए, मिट्टी हो संतुलित होना चाहिए, मौसम हो संतुलित होना चाहिए। तो आज के दिन बच्चों हम सिर्फ ये प्रण करें कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को, ख़ास करके मिट्टी, जल और हवा को संतुलित रखने में आने वाले दिनों में अपना भरपूर योगदान देंगे। अब तक हमारे देश में 10 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं, ताकि किसान अपनी मिट्टी को बेहतर ढंग से समझ सकें और उसके अनुरूप फसल का चयन कर सकें। तो आज मृदा जो दिवस है विश्व का, हम सभी विद्यार्थियों से
ये जरूर आग्रह करना चाहेंगे कि आज ये शपथ लेंगे कि हम अपने मिट्टी को स्वस्थ रखेंगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको मिट्टी स्वस्थ करके दिया है, हम भी आने वाली पीढ़ियों को मिट्टी को स्वस्थ जो है कि बना के देंगे। तो आप जान लीजिए कि दुनिया के हिस्से का केवल 4% ही पानी हमारे पास है और जमीन केवल 2.4%। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, दुनिया के आबादी का हम 17% है लेकिन पानी दुनिया के हिस्से का केवल 4% है और जमीन जो है केवल 2.4% है। कहने का मतलब है कि 4% पानी और 2.4% जमीन से 17% लोगों को खाना का व्यवस्था हम लोगों को करना है। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने मृदा में एकीकृत पोषक प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक ने किसानों एवं विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों एवं विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन, बने रहे हमारे साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा पशुधन। खेती के स्थानी के साथ साथ पशुपालन भी किसानों की आय का एक अच्छा जरिया होता है, जिनमें एक बेहतरीन विकल्प है बकरी पालन, क्योंकि कम लागत में इससे अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन से आमदनी बढ़ाने की वैज्ञानिक विधियां। बकरी के उत्पाद भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं तथा इसकी घरेलू मांग बहुत अधिक है। अच्छी आर्थिक संभावनाओं के कारण बकरी पालन ने पिछले कुछ वर्षों से गति पकड़ ली है। बकरी के आर्थिक लाभ वाले उत्पादों की उच्च मांग के कारण अनेक प्रगतिशील किसान और शिक्षित युवा व्यावसायिक पैमाने पर बकरी पालन उद्योग को अपनाने की दिशा में प्रेरित हुए हैं। संकर नस्ल की बकरी के पालन के परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं और इसलिए बकरी पालन देवगढ़ जिले की भूमिहीन गरीब महिलाओं के लिए परिवार की गौड़ आमदनी का साधन बन गया है। ये है सुलोचना, एक युवा महिला उद्यमी, किसान देवगढ़ जिले के केंदुचपल गांव की। ये स्थानीय नस्ल के 2 बकरे और 2 बकरियां पाल रही थी। बकरी पालन में अपना अधिकतम समय देने के बावजूद भी वो बकरे बकरियों से पर्याप्त आमदनी नहीं ले पा रही थी। ये गांव के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र देवगढ़ के संपर्क में आई। उन्होंने केंद्र के वैज्ञानिक के साथ चर्चा करते हुए उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। बकरी पालन में उनकी रुचि को देखने के पश्चात कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने उनके फार्म का दौरा किया तथा स्वास्थ्य प्रबंधन पर तकनीकी दिशा निर्देश देते हुए उन्हें उन्नत नस्ल की बकरियों को पालने की सलाह दी। कृषि विज्ञान केंद्र तथा स्थानीय पशु चिकित्सक के तकनीकी मार्गदर्शन में उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन आरंभ किया। उन्होंने SJGSY के अंतर्गत बैंक से 2.5 लाख रुपए का ऋण लिया तथा सिरोही और ब्लैक बंगाल जैसी उन्नत नस्ल की बकरियों का पालन आरंभ किया। कृषि विज्ञान केंद्र देवगढ़ ने उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया और बकरियों के पेट में पलने वाले कृमियों को नष्ट करने, टीकाकरण, आहार प्रबंधन,
विटामिनों तथा खनिजों को आहार में मिलाए जाने जैसी बकरी पालन की उन्नत विधियों पर फील्ड प्रदर्शन आयोजित किए। इसमें राज्य के पशु चिकित्सा विभाग देवगढ़ ने भी उनकी सहायता की। समय समय पर पशुओं को कृमिहीन किए जाने, टीकाकरण व नियमित जांच से पशुओं की मृत्यु दर कम हो गई और इस प्रकार बकरियों की वृद्धि तथा शारीरिक भार में भी पर्याप्त सुधार हुआ। सुलोचना अब जिले की जानी मानी बकरी पालक बन गई हैं। अब वे क्षेत्र के छोटे और परंपरागत बकरी पालक किसानों के साथ संपर्क विकसित करके उन्हें मजबूत बना रही हैं, ताकि नस्ल में सुधार किया जा सके और उत्पादों की संगठित बिक्री की जा सके। उनकी सफलता से उनके गांव की अन्य भूमिहीन महिलाओं को प्रेरणा मिली है और उन्होंने भी अपनी आजीविका को सुधारने के लिए इस उद्यम को अपनाने का मन बना लिया है। तो अभी आपने विस्तार से जाना बकरी पालन के बारे में। दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन के लिए जरूरी है उचित पशु प्रबंधन। तो आइए इसके लिए देखते हैं दिसंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ा कर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कामयाब किसान की दास्तान। आपने तो सुना ही होगा कि मेहनत और लगन से कामयाबी की बुलंदियों को छुआ जा सकता है और ये बात कृषि पर भी लागू होती है। ऐसे ही एक सफल किसान हैं भाई भाखड़ा राम, जो राजस्थान के जालौर के रहने वाले हैं। इन्होंने कृषि में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया और इसके लिए इन्हें कृषि कर्मण अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। मैं
नई सोच, नया सवेरा, मेहनत और लगन, कामयाबी का सहरा। ये है राजस्थान के जालौर जिले का पादार्दी गांव। देखने में दूसरे गांव की तरह ही लगे, लेकिन नहीं, ये अब खास बन चुका है। क्यों और कैसे, ये जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं गांव के प्रगतिशील किसान भाखड़ा राम के पास। आप मैं खेती की भी, गोवांगी खेती की भी, 80 कुंटल गेहूँ होया, मैं बहुत काम किया हा, मैं आज से काम किया हा, और जैविक खाद ना की ही, उसमें मैंने लाभ मिलिया हा, उसमें मोदी साहब से 2,00,000 रुपया दिना हा, उसमें बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी राम को। और इसमें 2 कट्टा मैं बया था, उसमें 80 कुंटल गेहूँ होया, इंडा किया और जीरा किया खादा, और इस सब किया, और मूंगफली हमें बाबा हाँ बाजरा ही लिया, बहुत पैदा ली हुई भैंस, जैविक खेती हूँ ली हुई, और भैंस का ना को खाद दूजा नहीं ना, बस ये मैं यूरिया खाद नहीं ना करता। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भाई भाखड़ा राम की कामयाबी की दास्तान आज न केवल पादार्दी गांव और उसके आसपास के गांव के लिए चर्चा का विषय है, बल्कि पूरे जालौर जिला के साथ अब पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। भाई भाखड़ा राम को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 का कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। मेरे पिताजी 2014-15 के अंदर कृषि कर्मण से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित हुए थे। एक सफल किसान के तौर पर हमने एक जैविक खाद के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया था। जैविक खाद बनाई थी हमने, हमारे पास में नर्मदा नहर गुजरती है, तो नर्मदा नहर के पास में पेड़ पौधे लगे हुए हैं नीम के, नीम के पत्तों से हमने एक चौकड़ी बनाकर उसके अंदर साड़ा, और उसके अंदर गायें और भैंसें बहुत सारी है, तो उनके गोबर डाला, फिर उनको 2 महीने साड़ने के बाद में खेत में डालकर खेड़ाई की, और उनसे जैविक खाद से गेहूं के उत्पादन ज़्यादा हुआ। कम जमीन और कम पानी के अंदर हमने अच्छी पैदावार ली गेहूं की। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत से गवां की खेती, बढ़िया दुकान से बीज लाया, बीज बुआई की, और हमारे पास में बहुत भैया गायें हैं, इसलिए मैंने घर के यहाँ से जैविक खाद बनाया, शुरू किया, एक चौकड़ी बनाई, चौकड़ी में पूरा यह गाय का गोबर भैंस का डाला, उसमें पानी डालता रहा, और नीम की निबोलियाँ और नीम के पत्ते डाले, उससे जैविक खाद बनाया। जैविक खाद से यह गेहूँ पकाया, बाद में हमारे कृषि अधिकारी डॉक्टर निर्मल राम जी जालौर के, वो इधर आया, सलाह दी हमको बहुत ही बढ़िया, और उसने ये देखा हमारी खेती, देखा ना उसको बहुत ही अच्छा मिला। बाद में 14-15 में हमको उसने नरेंद्र मोदी से मिला और सम्मानित किया 14-15 में, यह गेहूँ हाँ प्रधानमंत्री जी ने, और 80 क्विंटल गेहूँ हुआ था, इसलिए हमको सम्मानित किया, और उसके कहने से हम बहुत ही मेहनत से करते हैं, गेहूँ है, रायडा है, एंडा है, इसबगोल है, पूरी खेती करते हैं, और बराड़ा के मूंगफली भी बोई करते हैं, बाजरी की भी करते हैं, बहुत ही अच्छी पैदावार मिला है, और अच्छी दुकान से बीज लाया है, इसलिए हमको ये प्रधान जी मंत्री मोदी जी ने प्रमाण पत्र दिया भी, और 2,00,000 का चेक भी दिया, और बाद में अभी हम ये तो हमारा पिताजी बुढ़े हो गए, हम ये मेरे को बताते हैं कि ऐसी ऐसी खेती आप करो, और इसको हमारे गांव वाला पूछने के लिए आते हैं, आपने कैसी खेती की, कैसा ऐसा हुआ, तो ये बताते हैं, और गांव के सरपंच साहब जी आते हैं, और उसको भी ये जानकारी दिया है, गांव वाला कोई हमको देता है, और देता आगे रहेंगे, और भी हम आगे बढ़िया बढ़िया इससे बढ़िया खेती करनी चाहते हैं, हम
सभी को ये भी सलाह देते हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान ये चलाया है कि ये सोलर लाइट सोलर या पानी निकालने की ये भी हमारे है और बाथरूम ये भी बनाया है। ये इस बार सबको बोलते हैं हम नहीं कि बाहर गंदगी मत फैलाओ, इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि ये घर में टॉयलेट बनाओ और गैस की चूल्हा भी आज से हम घर के लिए गैस का चूल्हा भी घर पे इस्तेमाल करते हैं और सबको यही बोलते हैं कि ये बाथरूम है वगैरह है ये सोलर है ऐसी चीज़ें जो स्कीम है वो लेता रहिए, स्कीम की जानकारी उसके फायदे के हिसाब से ये जानकारी लेता रहिए और भी इस्तेमाल उसको करता रहे। किसान चोखा राम के पुत्र भाखड़ा राम के पास लगभग 60 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से लगभग 3 हेक्टेयर सिंचित भूमि इनके पास है। इनकी कृषि कर्मण अवार्ड विजेता बनने की इबारत लिखी गई 2014 में। किसान भाखड़ा राम ने उस वर्ष गेहूं की उन्नत किस्म अवनी 555 की बिजाई की थी। इसमें इन्होंने वैज्ञानिक विधि से खेती के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा। पहला, बीजों का उपचार। दूसरा, वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खरपतवार नाशक का प्रयोग। और तीसरा, उचित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल। उन्नत बीज, उचित प्रबंधन, भरपूर पैदावार। भाई भाखड़ा राम ने बिजाई के 130 दिन बाद कटाई की। कृषि विभाग के सर्वे संख्या 175/474 के अनुसार भाखड़ा राम के खेत से 8.872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त हुआ जो कि प्रखंड और जिले की औसत पैदावार से लगभग 3 गुना अधिक था। उनकी इस उपलब्धि के लिए राज्य कृषि विभाग के द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। प्रगतिशील किसान भाखड़ा राम की इस कामयाबी में उनके पूरे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। पूरी गवांगी खेती की, बहुत अच्छी कीवी, मैं पूरी मेहनत की, पूरा जवी खाद है, दूजी है भयांगी गोबर है, दूजी है सब पूरी मेहनत को 7 दिना हम ही अपने आप छात आयो जो हम मई दिना नैनी भाई सब काम पूरा खेत में दिन भर करता रहा। हाँ पूरा इसलिए नरेंद्र मोदी समाप्त किया दिल्ली में 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ सब मैं आप पूरी मेहनत की भाखड़ा राम हमारा पति मैं साथ में साथ साथ हमारी मदद करता था, बढ़िया पानी पिलायो, बढ़िया गऊ में पूरी पानी दिनो, पूरी खाद बीज की पूरी सफाई की भी, पूरी खुदाई की भी, अच्छी दुकान से बीज लाया सब कियो, पूरी मेहनत की, अच्छे फल आया, अस पूरी मेहनत कर पूरा गऊ पूरी मेहनत लिया। वे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार पाकर बेहद गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी के साथ आज के गांव के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।